हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोग को पर्यावरण जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर है WG Rogin। सेकंड है, यहाँ पे सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। नेक्स्ट है, यहाँ पे जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को। नेक्स्ट है, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, सारगैसो नामक विशिष्ट प्रकार का घास कहाँ पाई जाती है? तो ये सारगैसो सागर में। नेक्स्ट है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक में महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, हमारा लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो ये कोरल मूंगा द्वीप है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? वर्ष 2002 में इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो हॉटस्पॉट के प्रतिपादक हैं नॉर्मलन मायर्स, जो 1988 से। नेक्स्ट है, विश्व में कितने जैव विविधता के संवेदनशील स्थल हैं? तो यहाँ पे आंसर है इसका 34। नेक्स्ट है, भारत में तीन हॉटस्पॉट स्थल कौन से हैं? तो ये है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा हिमालयी क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1986 यानी 1986 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में किस भाग को जैव विविधता का द्वार संज्ञा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है पूर्वोत्तर के राज्यों को। नेक्स्ट है, उड़ने वाली छिपकली ड्रेको कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिमी के घाट में। नेक्स्ट है, थामिन में मृग हिरण कहाँ पाया जाता है? मणिपुर, तो इसका मणिपुर लोकटक झील के पास। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरल में। नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो ये जैव सुरक्षा समझौता से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, टुमारोज बायोडाइवर्स सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर वंदना शर्मा। नेक्स्ट है, जैव विविधता सम्मेलन COP11 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हैदराबाद में 20 अक्टूबर 2012 को। नेक्स्ट है, नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका जैव विविधता से। नेक्स्ट है, नागोया प्रोटोकॉल किस वर्ष में लागू हुआ? तो 2010 में नागोया सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में। और किस वर्ष लागू किया गया? तो 2010 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर है ब्राज़ील में। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1992। नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? तो जैव विविधता संधि पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।